मनुखी अधिकार संगठन वालों एक मंग पत्र श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार दे दफ्तर विच दे बंदी सिखां दी रिहाई लई कढे जा रहे कैंडल मार्च लई सहयोग दी मंग कीती है। इस संबंधी मनुखी अधिकार संगठन दे प्रधान बीबी जसविंदर कौर सोहल वालों जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब नूं इस कैंडल मार्च लई सहयोग दी अपील भी कीती। इस संबंधी जानकारी दिंदिआं मनुखी अधिकार संगठन दे प्रधान बीबी जसविंदर कौर सोहल ने दस्सिआ कि बंदी सिखां दी रिहाई लई 21 अक्तूबर नूं उन्हां वल्लों एक कैंडल मार्च गुरु नगरी अमृतसर दे विच कढ़िआ जा रिहा है, जिस संबंध श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार दे दफ्तर विच मंग पत्र दिंदिआं इह मंग कीती गई है कि उह इस कैंडल मार्च विच साडा सहयोग करन अते उह कैंडल मार्च जथेदार साहिब की रहनुमाई हेठ कढ़िया जाए, जिस तरह सरकारां नूं इह सुनेहा दिता जाए कि भारत का संविधान सब लई इक है, तो फिर यह वितकरा क्यों जेकर बंदी सिखा की सज़ा पूरी हो चुकी है तो उन्होंने रिहा करन विच केंद्र सरकार वालों देरी क्यों की जा रही है। केंद्र सरकार वालों भाई बलवंत सिंह राजोआना की सज़ा से नोटिफिकेशन जारी करदिआं यह दस्सिया जा रहा है कि उन्होंने रिहाई देश लई खतरा है, जिस दे चलदे उन्होंने रिहा नहीं किया जा सकता। जेकर सच मनीए तो बंदी सिखा की रिहाई नूं लैके केंद्र दी मंशा सही नहीं है, वह बंदी सिंघां दी रिहाई नूं लैके दोहरे मापदंड अपना रही है, जिस करके असीं इह संघर्ष करन दे लई मजबूर होए आं अते जदों तक सरकार बंदी सिखां नूं रिहाई नहीं करदी असीं संघर्ष जारी रखांगे। मंग पत्र अपने मनुखी अधिकार संगठन दे भैन जी जसविंदर कौर जी मंग पत्र लिखी आए ने कि बंदी सिंघां दी रिहाई वास्ते 21 तरीक नूं कैंडल मार्च कढ़िया जाएगा जो दरबार साहिब ते कालका साहिब पहुंचेगा। तो इन्हां दी मंग है कि कालका साहिब वालों इस मार्च की अगवाई की जाए, तो सिंह साहब जी को यह मंग दिता जाएगा जो कोई ना कोई सिंह साहब जी वालों नुमाइंदा सुरिंदर कौर सोहल स्टेट प्रेजिडेंट ह्यूमन राइट एमरजेंसी हैल्पलाइन एसोसीएशन। अज श्री अकाल तख्त साहिब से असी आके तो उन्होंने बेनती की है कि इस जो साडा 21 अक्तूबर नू कैंडल मार्च श्री अमृतसर साहिब च बंदी सिंघां दी रिहाई दे लई कीता जा रहा है उसकी अगवाई जो है अकाल तख्त साहिब तो की जाए, क्योंकि अकाल तख्त साहिब हमेशा सरबत के भले की गल करते हैं और पूरे विश्व भर के जदों भी इतों आदेश गए ने विश्व का भला किया गया है। तो सो बड़े ही लंबे समय तो जो असी यह संघर्ष कर रहे हैं बंदी सिंह की रिहाई नू लैके, जो कि बड़ी वड्डी मनुखी अधिकारां दी उलंघना हो रही है कि अपनियां सजावां पूरियां करन तो बावजूद उन्होंने जेलों में बंद रखा गया है, क्योंकि देश का संविधान एक है, कानून एक है, देश एक है, तो फिर यह वितकरा क्यों है, इस चीज़ के बारे आवाज़ बुलंद की जा रही है। अज श्री अकाल तख्त साहिब दे असी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी नूं मंग पत्र देन आए हैं कि साढ़े नाल साड़ी इस मुहिम दे विच जो असी संघर्ष जारी किया है बंदी सिंघां दी रिहाई दे लई उसकी अगवाई श्री अकाल तख्त साहिब तो की जाए।